हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 50 डेज वेट लॉस चैलेंज के डे 30 में आप सभी का वेलकम है। डे 30 है तो मतलब कि आज तो वेट लॉस का रिजल्ट बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए और आगे की फर्दर 20 डेज की डिटेल लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो यहाँ उमस भरे दिन से मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ UAE में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। अभी धूप नहीं निकली है लेकिन गर्मी पूरी पड़ी हुई है। वहीं बेसिल सीड्स के गुनगुने पानी से मैंने अपनी दिन की शुरुआत कर दी है। तेज गर्म पानी में मैंने भिगोए थे, ऊपर से नॉर्मल पानी डाला तो गुनगुना हो गया। तो यहाँ मैं 7:20 से अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ सेकेंड टी में मैं यहाँ पर जीरा, सौंफ और मेथी की टी बना रही हूँ अपने लिए। यहाँ ना मैं कुछ क्लिप्स की अपनी जो स्पीड है नॉर्मल, उससे थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि कोई स्टेप मिस भी नहीं हो और थोड़ा सा आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी टी ले आई हूँ और यहाँ अभी रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये ऑफ़िस के टाइम से थोड़ा सा आगे टाइम हो गया है तो ज़्यादातर लोग ऑफ़िस जा चुके हैं, रोड खाली पड़े हैं। जब तक मेरी टी ठंडी हो रही है तब तक मैंने सोचा मैं अपने थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग के बाद अपनी ज़ीरा टी पी लेने के बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्लीनिंग के बाद फिर मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि मैंने जंपिंग जैक्स किए हैं और रस्सी जंप की है। आज मैंने ट्रेडमिल नहीं की है। प्लीज़ आई नीड सम मोटिवेशन, क्योंकि अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा एक्सरसाइज का बिल्कुल मन नहीं करता। जो स्टार्टिंग में एक एनर्जी थी ना, वो डाउन हो गई है। और मुझे लगता है जब भी हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं या किसी भी हम ऐसे काम पे होते हैं तो हमें हमेशा मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि मोटिवेशन से ही हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि यस वी कैन डू। अच्छा, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तो मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे भी फीवर हो गया है, अभी घर में सबको हो गया है, बस मैं ही बची हूँ। तो लग रहा है कि नेक्स्ट नंबर मेरा ही है और इस वजह से मेरे गला भी थोड़ा ख़राब है। आवाज़ भी मेरी आपको थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर लग रही होगी। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने खाए हैं कॉर्नफ्लेक्स, ये ओट्स के ही बने हुए हैं और थोड़े से स्वीट है, तो इसलिए मैंने चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली है दूध में। और दूध में मैंने पानी डाला है क्योंकि मैं फुल क्रीम दूध यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा मिल्क और आधा वाटर लिया है। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप इसे लंच बोल सकते हैं, सेकेंड ब्रेकफास्ट मैं आज नहीं बोलूँगी क्योंकि ये फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को जो हमारा डिनर होता है ना, वो 5-6 बजे करीब होता है, तो इसलिए मेरा लंच जो होता है वो हल्का ही रहता है। इसमें मैंने कॉफ़ी ली है और कल की मूंग और पालक की दाल है। और साथ ही मैं एडिटिंग करने बैठी तो मुझे पता चला कि लोग मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरी वीडियो कॉपी, और कोई क्रेडिट भी नहीं देते हैं। अगर कॉपी करनी है तो क्रेडिट दीजिए, वरना तो मैं आपको कॉपीराइट क्लेम दूंगी। इट इज़ द लास्ट वार्निंग। हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत से अपनी वीडियो बनाइए, किसी की कॉपी मत करिए प्लीज़। और यहाँ पर अब आ जाता है डिनर, जिसमें मैंने बनाया था अरबी गोश्त और साथ में रोटी है। और यही हमारा डिनर है जो कि हमने 5-6 बजे के करीब किया था। अब बारी आती है वेट लॉस चेक करने की। जैसे ही मैंने वेट मशीन निकाली, आयत जो मेरी बेबी है वो आकर बैठ गई। उसको ये सब ना बड़ा न्यू लग रहा था, तो वो बहुत हैप्पी हो रही थी। फिर मैंने उसे हटाया और मोबाइल आयरा के हाथ में दिया, क्योंकि जब मैं हाथ में लेके वेट चेक करती हूँ तो 400-500 ग्राम तो ऐसे ही बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि आप पकड़ो और मैं वेट चेक करती हूँ, पर इतना ज़्यादा मोबाइल हिला रही थी इसलिए मैंने एक फ़ोटो लेकर आगे यहाँ पर फ़ोटो लगा दिया है। तो पिछले 10 दिनों में जो हमने वेट लॉस किया है वो है 1 kg, और पूरे 30 डेज़ में हमने टोटल 5 kg वेट लॉस किया है। आई थिंक ये कोई छोटी बात नहीं है। 30 डेज़ में हमने 5 kg वेट लॉस कर लिया है विदाउट एनी डाइट, सिर्फ घर में एक्सरसाइज करके और कोई भी डाइट फॉलो नहीं करके, नॉर्मल घर का बना खाना खा के। तो यहाँ मैंने रात में एक ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर और साथ में चाय ली थी। इसी के साथ मेरे दिन का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये दोनों वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।